एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक संभल में स्थित खानपुर खम्मार गांव पड़ा। लगभग 2700 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 8 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान मुशरक हुसैन हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 1800 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 317 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में 40 सीसी टाइल्स रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 190 शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 29 आवास, स्कूल के बाउंड्री व शौचालयों का निर्माण भी कराया है। साथ ही पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए गांव में 18 हैंडपंप तथा विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 100 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 125 आवास, पंचायत घर, प्राइमरी पाठशाला, सीसी टाइल्स रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय तथा पानी निकासी के लिए नाले के निर्माण की मांग भी राज्य में केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम खानपुर खम्मार से ग्राम प्रधान बोल रहा हूँ, मुशर्रफ हुसैन। मैंने जितना भी काम कराया, विकास का काम कराया है, सड़क बनवाई है, 50 आवास बनवा दिए, ODF गांव करा दिया है जी। और मेरे और धनराशि की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरे गांव खानपुर खम्मार में ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि भेजकर विकास कार्यों को ज़्यादा से ज़्यादा कराने का कृपा करें। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि गांव के वर्तमान प्रधान गांव में विकास कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन समय से धनराशि के किस न आने से विकास कार्य की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है। मैं खानपुर खम्मार से बोल रहा हूँ अहमद चाल। हमारे प्रधान ने बहुत बढ़िया काम कराया, ये रोड जो था बहुत गंदा था, बहुत बढ़िया सड़क स्टैंड करवाई है। नूर मोहम्मद नाम है मेरा, खानपुर का रहने वाला हूँ। और ये मकान जो बनवाया प्रधान जी ने बनवाया, बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं।